मैं संगीता जोशी, यूएसए वीजा विंडो की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये डॉक्टर सुधीर शाह, एडवोकेट। इन्होंने अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ में डॉक्टरेट किया हुआ है, इसलिए ये अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ के एक्सपर्ट है और हमारे चीफ लीगल एडवाइजर। और हम आपको यूएसए वीजा के लिए जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये विषय थोड़ा सा जटिल है, इसलिए हम इस विषय को थोड़ा सा सरल बना देंगे और मजेदार भी। तो आइए आपको दिखाते हैं वीजा की दुनिया, हर हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। मनीष भैया, धनेश भैया और भाभियों का तो वीजा के लिए इंटरव्यू था ना, किसी का फोन क्यों नहीं आया मुझे? वहां पे तो अभी दोपहर हो गई होगी। काम करती हूँ, मैं ही फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मनीष भैया, जय श्री कृष्ण भैया। अरे जय श्री कृष्ण बेना, क्या बात है, इस वक्त फोन किया तुमने? सब कुशल मंगल तो है ना, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे तो सुबह के 5 बजे, मैं कब से आप लोगों के फोन का वेट कर रही हूँ। कोई क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहा है? आज आप लोगों का वीजा का इंटरव्यू था ना भैया, आप लोगों को वीजा मिल गया क्या? वीजा? अरे मेरी बहना, तुम वहाँ हो ना, इसलिए तुम्हारे देश वाले हम भारतीयों को वीजा नहीं देते। मजाक मत करो भैया, प्लीज बताओ ना, वीजा मिल गया ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम वहाँ हो इसलिए हमें वीजा नहीं मिल रहा। क्या हुआ इंटरव्यू में? अरे होना क्या था, ऑफिसर ने सबसे पहले सवाल यही पूछा कि तुम्हारी सिस्टर अमेरिका में क्या करती है। अब मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले अपना धनेश वो बीच में टपक पड़ा, जवाब उसी ने दे दिया कि भाई हमारी सिस्टर वहां पर होम मेकर है। इसका जवाब सुनकर वो ऑफिसर था ना, वो थोड़ा नाराज हो गया। उसने धनेश से कहा कि मेहरबानी करके आप चुप रहिए, मैंने सवाल इनसे पूछा है। एक कंसुलर ऑफिसर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनके बीच में कोई बोले। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारी आमदनी कितनी है? अरे आप तो करोड़ों कमाते हो ना भैया, और धनेश भैया की इनकम भी एकदम तगड़ी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ मुंबई में सारे बिल्डर्स का बिजनेस ज्यादातर 2 नंबर में होता है, और मैं तो फिर भी मेरी इनकम 4 लाख रुपए सालाना दिखाता हूँ। फिर ऑफिसर ने मुझे ये कहा, मिस्टर पटेल, तुम ये जो तुम्हारी इनकम 4 लाख रुपए दिखा रहे हो ना, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की अमेरिका की टिकट तुम नहीं खरीद सकते। भैया मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपने 2 नंबर के बिजनेस बंद कीजिए। खैर छोड़िए ये सब, आगे क्या हुआ? फिर क्या, ऑफिसर ने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे लिए ग्रीन कार्ड की पिटीशन फाइल की है। मुझे जबरन हाँ कहना पड़ा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सॉरी कहकर ऑफिसर ने हमारे सबके पासपोर्ट लौटा दिए। काश पीएम बनते ही मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करवा दिया होता, तो आज आप अपनी सच्ची आमदनी दिखा सकते थे। मीनाक्षी, तुम वहां रहकर भी हर दम मोदी जी की माला जपती बैठती हो, न्यूयॉर्क में रहकर भी आज भी तुम मोदी जैकेट पहन के घूमती हो। तुम्हें पता है यहाँ भारत में मोदी जी ने कितने बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं? पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर GST और स्वच्छ भारत कहते कहते हम जैसों की तो धुलाई कर दी है मोदी जी ने। भैया एक काम हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट लगा के अब ग्रीन कार्ड ले ही लो। ग्रीन कार्ड ले ही लो, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? भैया प्लीज, आप लोग जल्दी अमेरिका आ जाओ ना प्लीज। बोल दिया, आ जाओ। अरे विजिटर्स वीजा लेकर हम वहां आकर ठहरने की सोच ही रहे थे, मगर वीजा ही नहीं मिला। भैया आपकी यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बिजनेस करना है तो ब्लैक में करना है, और अमेरिका आना है तो इल्लीगली आना है। हर तो और क्या करते, अब तुमने जो हमारे लिए पिटीशन दाखिल किया है उसके जरिए ग्रीन कार्ड हासिल करने में कितने साल लग सकते हैं? अरे एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि कम से कम 40-50 साल तक ठहरना पड़ेगा। भैया, मनीष भैया। मीनाक्षी, धनेश बाहर से चिल्ला रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। मनीष भैया,
अरे क्या हुआ धनेश? नीरज और नीता जब स्कूल से घर आने के लिए लौट रहे थे तो इत्तेफाक से मैं उन्हें लेने के लिए स्कूल गया था। भैया मैंने देखा कि कुछ गुंडे जबरदस्ती हमारे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे वो गुंडे? हमारी मीरा रोड की प्रॉपर्टी पर जिन गुंडों ने जबरदस्ती कब्जा किया है ना, वही गुंडे थे वो लोग। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और एक एक गुंडों को ठूसा दे मारा और वो लोग जमीन पर गिर गए। फिर भैया वहां पे लोग जमा हो गए और लोगों की भीड़ देखकर वो गुंडे वहां से भाग गए। अगर आज मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल नहीं जाता ना, तो वो गुंडे हमारे बच्चों को किडनैप कर ले जाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सही वक्त पे वहां पहुंच गए। मगर बच्चे तो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ वो लोग डरे हुए हैं और मैं भी। भैया सच कहो तो अब मुंबई से मन उठ गया है। हम लोगों ने मीरा रोड में इतनी महंगी प्रॉपर्टी ली, क्या फायदा? कुछ गुंडों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। सब लोग हमें कैश में बिजनेस करने पर मजबूर करते हैं, किसी को गवर्नमेंट टैक्स भरना ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। आपका बेटा मेहुल, उसे डॉक्टर बनना है। एडमिशन के लिए भैया डोनेशन देना पड़ता है और आजकल तो 3-4 करोड़ मांगते हैं वो लोग, और फीस सालाना 50-60 लाख रुपए है। मुझे लगता है मीनाक्षी की बात बिल्कुल सच है। धनेश क्यों ना हम भी अमेरिका में इन्वेस्ट करें और हम सभी के लिए ग्रीन कार्ड बनवा लें। मतलब हमारा देश छोड़कर हम किसी और देश में चले जाएं? अरे भाई हम अमेरिका में रहकर भी हमारे भारत देश को नहीं भूलेंगे। अरे हम अमेरिका जाकर भी हमारे देश के बारे में सोच सकते हैं। वहां पैसे कमाकर हम वही पैसे हमारे देश की उन्नति के लिए लगा सकते हैं। लेकिन भैया हम जाएंगे कैसे? EB-5 प्रोग्राम के जरिए। EB-5 प्रोग्राम? EB-5 प्रोग्राम। देखो हम अमेरिका के रीजनल सेंटर में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बस फिर हमें और हमारे पूरे परिवार को 1.5-2 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अरे उतना ही नहीं, हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो सारे पैसे कुछ सालों बाद हमें वापस भी मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अमेरिका जाकर हमारे रुपयों के डॉलर्स बनाएंगे और वही पैसे हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका में रहकर हम हमारे भारत देश को महान बनाएंगे। दोस्तों USA में आज 50 लाख इंडियन रहते हैं और वो वहाँ इसलिए नहीं रहते कि उन्हें भारत पसंद नहीं है। उन्हें भारत आज भी उतना ही पसंद है जितना पहले था। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि भारत के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया है। वे अमेरिका इसलिए गए हैं कि अपनी और भारत की प्रगति हो, तरक्की हो। और आपको भी अगर धनेश और मनीष की तरह अमेरिका जाना है तो EB-5 प्रोग्राम आपको उसमें सहायता करेगा। और ये EB-5 प्रोग्राम क्या है, उसके जरिए आप अमेरिका कैसे जा सकते हैं, इस बात का आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ईमेल एड्रेस तो नजर आ ही रहा होगा, उस पे जरूर लिखिएगा। और हाँ, 5 चीजें बिल्कुल मत भूलना, हिट, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक।